मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के प्रत्याशी के रूप में अविनाश चंद्र सक्सेना एडवोकेट ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अविनाश चंद्र एडवोकेट पार्टी लीडर हरकिशोर सिंह एवं शिशुपाल सिंह के साथ सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन कर नगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में रिटर्निंग ऑफिसर महेंद्रपाल सिंह को अपना नामांकन पत्र पेश किया। नामांकन पत्र पेश करने के बाद SUCI के प्रत्याशी अविनाश चंद्र सक्सेना एडवोकेट ने कहा कि वह विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनका प्रयास रहेगा कि नगर विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराया जाए। उन्होंने कहा कि वे अपनी पार्टी के जरिए समय समय पर जन शिकायतों को शासन और प्रशासन तक पहुंचाते आए हैं। यदि जनता ने उन्हें मौका दिया तो मुरादाबाद नगर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने का प्रयास करेंगे। सिटी चाना संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, मैंने सोशलिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से शहर की विधानसभा सीट के 28 नंबर के लिए हमने आज नामांकन दाखिल किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम शहर की जनता को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी किसान और मजदूरों की पार्टी है। ये पूंजीवाद के खिलाफ समाजवादी क्रांति के लिए लड़ाई लड़ती रही है। हम लोकल स्तर पर भी तमाम लड़ाइयाँ लगातार लड़ते रहे हैं, चाहे वो खड़पट्टी वालों को उजाड़ने को लेके हो, चाहे किसान आंदोलन को लेके हो, या और तमाम जो समस्याएं हैं मजदूरों की, किसानों की, और लोकल स्तर पर तमाम जो समस्याएं हैं उनको हम लोग हमेशा खाते रहते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम जो जब आप हमें भेजेंगे विधानसभा, हम जीत कर जाएंगे, आपकी समस्याएं वहां भी उठाते रहेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा और आपको लड़ना पड़ेगा। हम आपके साथ रहेंगे, हम हमेशा आपके साथ। इस मौके पर SUCI के वरिष्ठ नेता हरकिशोर सिंह एडवोकेट भी मौजूद रहे। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए हरकिशोर सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से 10 प्रत्याशी उतारे गए हैं। उन्होंने आगे कहा, देखिए ये जो विधानसभा के लिए नामांकन हो रहे हैं, आज हमारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, 27 विधानसभा क्षेत्र देहात और 28 मुरादाबाद नगर से, जिसमें देहात से हमारे शिशुपाल सिंह हैं और नगर से अविनाश चंद एडवोकेट हैं। और जिस तरीके से हमारी पार्टी ने आज तक तमाम समस्याओं को लेकर और जो ये मौजूदा सरकार है जिसने लोगों का जीवन तबाह कर दिया, मुरादाबाद के जो हमारे मतदाता हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस मौजूदा योगी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने किस तरीके से सारे पीतल के कारोबार को नष्ट किया, GST नोटबंदी से लोगों का जीवन तबाह किया, छोटे कारोबार नष्ट हुए, फल पटरी वालों पर पूरे 5 साल इस सरकार ने जो है डंडा बरसाया है। और हमारी पार्टी ने हर तरीके से मेहनत कश मजदूर वर्ग की हमारी पार्टी है, नौजवानों की हमारी पार्टी है, हम नौजवानों के लिए रोजगार की गारंटी की मांग को लेकर, महंगाई कम करने को लेकर, बिजली के मुद्दे को लेकर, लोगों के कारोबार की सुरक्षा को लेकर हमेशा आंदोलनरत रहे हैं। और आगे भी अगर हमारे प्रत्याशियों को हमारे शहर के लोग चुनते हैं, पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देते हैं, तो जो ये जन विरोधी नीतियाँ बनाई जाती हैं विधानसभा के अंदर, इनको हमारी पार्टी बनने नहीं देगी। और लोगों के जो मुद्दे हैं, जो रोजगार का मुद्दा है, इलाज का मुद्दा है, पढ़ाई का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, मुरादाबाद में कोई विकास नहीं किया गया। स्मार्ट सिटी है, हम शहर के अंदर घूमे हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं, यहाँ कलेक्ट्रेट के अंदर ही हमारा एक जो है कलेक्ट्रेट कर्मचारी जो है गटर में गिर गया, उसकी कमर की हड्डी टूट गई। ये स्मार्ट सिटी है, सारा पैसा खाया जा रहा है। हमारी पार्टी इन चीज़ों को उठाएगी और लोगों के लिए हमेशा जैसे पहले खड़ी रही है, आगे भी खड़ी। आपकी पार्टी मुरादाबाद के अलावा अन्य जनपदों में भी प्रत्याशी उतारे? जी, हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 10 प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें कानपुर है और तमाम उत्तर प्रदेश के अन्य सिटीज़ हैं, उसमें हमने 10 प्रत्याशियों को उतारा।